हाँ जी ज्ञान रत्न हमको निराकारी वस्त्र कहते हैं ना। हाँ जी ज्ञान रत्न हमको निराकारी वस्त्र कहते हैं। निराकारी वर्षा वर्षा निराकार को याद करने से निराकारी वस्त्र ज्ञान रत्न मिलते हैं ऐसे बोलते हैं ना। हाँ जी लेकिन बाबा तो निराकारी वर्षा कैसे हो? निराकार से वर्षा कहो यानी दृष्टि कहो यानी श्रीमत कहो ये बिल्कुल शुरू एक साकार संवारा जना है ना। मनन चिंतन मंथन का जो वर्षा है वो जितना हम अपने को सूक्ष्म बनावेंगे बिंदु रूप स्टेज में टिकावेंगे तो मनन चिंतन का जो वर्षा है वो सूक्ष्म स्टेज से मिलेगा। मैन बुद्धि कोई भी बात की गहराई को पकड़ती है, जो मोटी बुद्धि होती है वो नहीं पकड़ती। देह अभिमान में रहने से मनन चिंतन मंथन नहीं चलेगा, आत्मा अभिमानी बनने से मनन चिंतन मंथन चलेगा, वो है निराकारी वर्षा। और तो सागर वर्षा तो स्वर्ग स्वर्ग की अनुभव भी मना ज्ञान रत्न की मनन चिंतन मंथन से होते हैं। सागर वर्षा जो स्वर्ग है संकल्पों से जो सृष्टि रची गई है वो सूक्ष्म सृष्टि होगी, यह साकार सृष्टि होगी तो सूक्ष्म सृष्टि ही चाहिए क्या? मैंने पहला परंग्राम और बाद उसके बाद शुक्रम मैंने बाबा। हाँ जी पहले निराकारी स्टेज बनाए, निराकारी स्टेज बनाने से संकल्प शुद्ध होंगे, शुद्ध संकल्प होने से संकल्पों की शुद्ध दुनिया बनेगी। आदमी जैसा सोचता है वैसा बनता है, तो संकल्प है बीज, बीज होता है निराकार, बाकी साकार दुनिया बाद में बनती है। और बाप आता है राजयोग सिखाने के लिए, राजयोग का माला बनाने के लिए, ऐसे बोला मैं जो राजा बनाने वाले आत्मा इनसे बात करता हूँ, राजा बनाने बनने वाले आत्मा इनसे बात करता हूँ ऐसा बोला है ना? ऐसा तो नहीं बोला, बोला बहुत ही वार्ता में बोला। जो राजा बनते हैं वो तो 108 ही होते हैं, तो 108 से ही बात करते हैं, जो 16,000 हैं वो कहाँ जावेंगे? तो परिवार में आने वाले हैं बाबा। वो सरेंडर नहीं होते, सरेंडर तो होती है तो बच्चे नहीं बनते, बनते गोद नहीं लेते, तो गोद लेने वालों से बात ही नहीं करेंगे। मतलब बाबा तो 4.5 लाख आत्मा इनको ज्ञान तो आत्मा कहा ना बोल बाबा। 4.5 लाख की बात हो वो तो प्रजा वर्ग है, वो तो राजयोग सीखते ही नहीं, उनसे क्यों बात करेंगे? बाप की जो देन, उस देन को जो लेने वाले हैं, बाप का जो वर्षा लेने वाले हैं, उनसे बात क्यों नहीं करेंगे? 108 हैं तो फर्स्ट क्लास लेने वाले, उनसे भी बात करेंगे तो जो सेकंड क्लास वर्षा लेने वाले हैं, राज परिवार के भांति बनने वाले हैं, बाप से राजयोग सीखने वाले हैं, राजयोग सीख करके राज परिवार के भांति बनते हैं, उनसे भी बातें करेंगे।
मतलब बाबा कितने आत्मा बाप से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि मन में ये भाव होते हैं हम बाप से, मतलब भगवान बाप से बात कर रहे हैं, तो उसका भाव में गलत होता है कि इतनी आत्मा है, 16 से भी अधिक आत्मा है ना बाबा आते हैं, लेकिन क्या वो प्रजा बनते हैं या राज परिवार के भाती बनते हैं? प्रजावर से, लेकिन बाबा उनके मन में जब बाप से मिलने के लिए आते हैं तब उनके मन में ऐसा भाव होते हैं ना, हम बाप भगवान बाप से बात कर रहे हैं और भगवान उनके उनके मन में भाव आता ही नहीं, वो राजयोग का पुरुषार्थ करते ही नहीं, वो पवित्र रहने का भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो बाप के तो वो बच्चे हैं जो पवित्र बनो और योगी बनो के मुख्य डायरेक्शन को फॉलो करें। एक बात, भयावत के समय में 4.5 लाख तो बसते हैं, तो ज्ञानी तो आत्मा ही बसते हैं ना सुरक्षित शरीर से, वो बच्चे नहीं है क्या? हाँ जी, तो 4.5 लाख ज्ञानी तो आत्मा नहीं है बाप, और दुनियावी धर्मों के मुकाबले ज्ञानी तो आत्माएं हैं, लेकिन जो बाप के पढ़ाए हुए बच्चे हैं, राजयोग सीखने वाले बच्चे हैं, राज परिवार में आने वाले बच्चे हैं, राजा बच्चे हैं, उनके मुकाबले ज्ञानी तो आत्मा नहीं है, उनकी प्रजा है, प्रजा भरी ढोती है, राजाएं राज्य करते हैं। लेकिन बाबा ये पहली जन्म में प्रजा बनना ही, ये तो एक कम बात नहीं है, बोला ही भाई को ये तो नीच लक्ष्य देना हो गया, बाबा हमको ऊंचा लक्ष्य देते हैं या नीचा लक्ष्य देते हैं? देहदारी नीचा लक्ष्य दिखाते हैं और बाप ऊंचते ऊंच ऊंचा लक्ष्य देते। हाँ, हमें ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, यह विधर्मी लोग कहते हैं ना, यह विधर्मी लोग की बात है ना, ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट शिव बाबा से, मतलब कहने वाला चीज का मतलब क्या है बाबा? दूसरी बात ऐसी की कहते हैं एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी स्टेज पकड़ना है ना, तो एक शिव बाबा माना तो साकार और निराकार का मेल हुआ, तो ये ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, ऐसे कहने वाला के मतलब क्या है? मतलब है कि जो विनाशी ब्रह्मा है उससे कनेक्शन नहीं है, लेकिन अविनाशी भी कोई है ब्रह्मा, उससे हमारा कनेक्शन है, बाप से कनेक्शन है तो उससे भी कनेक्शन है, इसका फोटो नहीं रखना है। और तो बाबा इस्लामी धर्म की जो बीज है, इस्लाम धर्म की जो बीज है, उसको बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह कहे बाबा जी। हाँ जी, लेकिन बाबा तो इस्लामी तो महाकामी इस्लामी महाकामी है, लेकिन तो बाल ब्रह्मचारी तो बात विद हो गए ना, है तो इस्लामी तो महाकामी है ना, कामी कामी इस्लामी विश्वामित्र विश्वामित्र नहीं, तो इस्लाम धर्म की बीज है ना, हाँ। उसको बाल ब्रह्मचारी कहा बाबा ने, विश्व पितामह कहा, लेकिन इस्लाम धर्म की जो लक्षण है ना, तो वो कामी इस्लामी बोला है ना, क्रोधी क्रिश्चियन कामी इस्लामी ऐसे बोल दिया ना उनका, लेकिन दूसरी तरफ से बाल ब्रह्मचारी बोला है, विश्व पितामह बोला है, तो ये तो ब्रह्मचर्य की बात हुआ, वो तो कामी की बात हुआ, वो संकल्पों की बात है, संकल्प से कोई ऐसा पाप थोड़े बन जाता है, पाप कर्मेंद्रियों से बनता है, यह संकल्प मात्र करने से बनता है।
संकल्प से भी बनता है ना बाबा, तो इसलिए बाबा तो संकल्प से भी कुमार है, वो कुमार जीवन कर्मेंद्रियों से पाप कर लेता है ज्यादा, या संकल्पों से पाप बन जाता है? संकल्पों से पाप बन जाता है ना? नहीं नहीं, कर्मेंद्रियों से पाप किया तो उसका 100 गुना पाप भोजना पड़ेगा, लेकिन संकल्प से करते हैं ना बाबा। संकल्प से पाप नहीं बनता है, जितना जितना सूक्ष्म होता है उतना तो बहुत बड़े भाई। नहीं, कर्म में आने ही नहीं दिया तो पाप कैसे बना? लेकिन तुम ऐसे पवित्र को पकड़ना है तो स्वप्न में भी पवित्रता खंडन नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना बाबा? स्वप्न में भी पवित्रता खंडन होने की होती है, जो प्रैक्टिकल में कुछ कर्मेंद्रियों से कर बैठते हैं। बाल ब्रह्मचारी उन्हें नहीं कहा जाएगा। बाल ब्रह्मचारी का मतलब बालकपन से लेकर के ज्यों की त्यों स्टेज बनी रहे। और बालकों को मनसा भी नहीं आते हैं, बालकों जब बाल स्टेज होती है उनका मनसा से भी अभिव्यक्तता संकल्प। अरे हमेशा बच्चे ही बने रहते हैं क्या, बड़े नहीं होते? इंद्रियां उनकी बच्चा बनी रहती हैं क्या? जैसे बुद्धि बच्चा बुद्धि नहीं रहती बड़े होकर, ऐसे मन भी बच्चा नहीं बना रहता है। 11वां इंद्रिय मन है, ऐसे ही 10वां इंद्रियां भी बच्चा नहीं बनी रहती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बचपना खत्म होता जाता है। और नवग्रह में शनि जब आते हैं ना, नवग्रहों में, हाँ जी, और उसको काला रूप दिखाते हैं, काला रूप, काला रूप शनि को काला रूप दिखाते हैं ना, काला, हाँ जी। तो भारतीय समुदाय में कोई अच्छी कर्म करने से पहले नवग्रह को पूजा होती है, लेकिन वो काला रूप में दिखाते हैं ना, तो काला माना अपवित्र, तो अपवित्र कैसे पूजा होती है नवग्रह को? वो हमेशा हमेशा अपवित्र थोड़े ही है, कुछ तो पवित्रता का कार्य किया है तब तो देव पद पाया है। हाँ, शनि देव कहा जाता है, देव तो बनते ही तब हैं जब कुछ न कुछ प्योरिटी को धारण करते हैं, तब उनको काला रूप दिखाने की जरूरत है। वो तो नंबर वार है, औरों के मुकाबले कहेंगे काला, शंकर को यादवों का हेड क्यों कहा गया? शिव बाबा है पांडवों का हेड, और शंकर है यादवों का हेड। महाभारत और भागवत में उनका नाम दे दिया है कृष्ण, कि वो कृष्ण यादवों का हेड था। यादव उन्हें कहा जाता है जो निराकार को याद करने वाले हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट किसको याद करते हैं?
निराकार को याद करने वाले हैं, परंतु निराकारी स्टेज ग्रहण करने वाले वो धर्म पिता है। जो निराकार को याद करने वाले हैं, उनसे भी जास्ती किसी की निराकारी स्टेज बनती है। जब क्यों कहने से तुम्हारी बिल्कुल नहीं क्या आती है पाए थे ना? शिव तो बाबा है, शिव बिंदी नहीं है। सिर्फ हम शिव बिंदु को याद नहीं करते, किसको याद करते हैं? शिव बाबा को याद करते हैं। लेकिन शंकर जैसे और धर्म पिता निराकारी स्टेज वाले हैं, वैसे शंकर भी निराकारी स्टेज में सबसे तीखा है। इसलिए वो पावरफुल यादवों का भी हेड है। कौरव पांडव यादव आज की दुनिया में भी तीनों हैं, परंतु आज की दुनिया में भी जो तीनों संप्रदाय हैं उनमें सबसे जास्ती पावरफुल कौन है? रशिया और अमेरिका रूपी यादव। और उन यादवों का भी हेड कितना पावरफुल हो गया। रूहानी मिलिट्री का मार्शल है शंकर। तो दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती पावरफुल पार्ट है। इसलिए शंकर को यादव कहा है। यादवों के घर परिवार में दूध घी की पैदाइश बहुत होती है। दूध कहा जाता है ज्ञान का दूध, और घृत कहा जाता है याद का घृत। तो बहुत पावरफुल बन जाते हैं। परंतु अंतर ये है कि और धर्म पिताओं को अपने फॉलोअर्स का लगाव रहता है, अटैचमेंट रहता है, और शंकर को अपने यादव कुल का कोई भी अटैचमेंट नहीं रहता है। इसलिए जब ताबड़तोड़ विनाश कराते हैं तो ये नहीं देखते ये हमारा कुल ही खलास हो जाएगा, पूरा यादव कुल नष्ट हो जाता है। अभी तो हमें कुछ कुछ श्लोक को उदाहरण देते हैं बाबा ने, जैसे भगवान की निवास स्थान क्या है, अतः भाषे थे सूर्यो वशेषांग को नपावत आए भगवान वर्तन के कथा बाबा मंत्र बोलते हैं। ऐसा तो प्रवेश तुम बाबा कहते हैं ना, तो अलौकिक जन्म लेते हैं सुप्रीम सौ प्रवेश करने के योग्य। ऐसे प्रवेश तुम के लिए कोई श्लोक है ना बाबा? जी है बाबा, तो बता सकते हैं। हाँ हाँ, प्रवेश तुम शब्द आया है ना गीता में। आए आए बाबा। हाँ पूरा श्लोक तो बता देना बाबा, वो श्लोक मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। हाँ तो लेकिन संस्कृत में श्लोक याद है ना?
कोई जरूरी है सारे श्लोक याद करने जाए? ढूंढ के लिया जा सकता है दूसरे के कहने के लिए, जैसे शहर में धर्म से यहाँ पराधर्म भया ऐसा बोलते हैं, शहर में विगुण पराधर्म अनुष्ठिता शहर में धर्म से पराधर्म भया ये भी बोलते हैं जी। दूसरों को समझाने के लिए गीता में भी ऐसे ऐसे कुछ कुछ सच्चाई है जो बोलने के लिए श्लोक साइड कर लेते हैं। हाँ हाँ, तो गीता कोई लंबी चौड़ी थोड़ी ही है, 18 अध्याय की छोटी सी गीता है, उसमें से ढूंढ निकालो। और प्रवेशम शब्द बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और कार्यों के बारे में बोला है कि लक्ष्मी नारायण बनने की गाय है गीता में, प्रिंस से नारायण बनने का नहीं है, प्रिंस से नारायण बनने का नहीं है। तो बाबा कहते हैं पहले बेगर टू प्रिंस बनना है, बेगर टू प्रिंस बनना है, बाद में नारायण पहले प्रिंस बनना है, बेगर टू प्रिंस, बेगर टू प्रिंस बनते हैं ना बाबा, बेगर टू प्रिंस। हाँ जी हाँ, लेकिन ये गाय है नरसिंह नारायण बनने की बात है, नरसिंह नारायण बनने का जो गायन है वो संगम की बात है, और प्रिंस से नारायण बनना ये सतयुग की बात है, उसका गायन नहीं है। मतलब ब्रह्मा वाली जो आत्मा बनते हैं प्रिंस से नारायण, हाँ वो उसका गायन नहीं है। संगम युग में जो बेगर टू प्रिंस बनते हैं वो प्रैक्टिकल बात है, जो यहाँ ज्ञान मार्ग में चलते हैं उन्हें पहले बैगर बनना पड़े, फुल बैगर बनेंगे तो फुल प्रिंस बनेंगे। सब कुछ अर्पण नहीं करेंगे तो फुल प्रिंस नहीं बनेंगे। तो बैगर ना बने के बैगर नहीं बनते हैं तो नारायण नहीं बनने का, बेगर नहीं बनेंगे तो फुल प्रिंस ही नहीं बनेंगे। जब फुल प्रिंस ही नहीं बने तो नारायण कहाँ से बन जाएंगे? फुल नारायण। और है बेघर के पास तो कुछ भी न हो, मतलब घर वाले जब छोड़ दे सत्य में, घर वाले छोड़ दे तब तब आएंगे। संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तुम्हारे आया? नहीं, मेरा मतलब है घर वालों को हम लोग छोड़ दें कि वो छोड़े बेघर, मतलब छोड़ने की बात नहीं है, ना छोड़ना सिखाते हैं। यहाँ तो तन की ताकत, धन की ताकत, घर वालों की ताकत, संबंधियों की ताकत, सब ईश्वरीय सेवा में झोंकने की बात है। मन बुद्धि की भी ताकत लगाना पूरी, जो भी शक्तियां हमारे पास हैं वो सारी शक्तियां ईश्वरीय सेवा में लगाने की बात है, अर्पण करने की बात है, छोड़ने की बात कहाँ है? कोई कहे हमारे परिवार में हमारा 1 लाख का हिस्सा है, हम छोड़ छाड़ करके ईश्वर के बच्चे बन जाएंगे, तो धन अर्पण किया या बर्बाद करके आए? है क्या किया? हमारा हिस्सा तो बाबा का अर्पण करने से बर्बाद कैसे हो जाएगा?
कोई के पास परिवार में ज्वाइंट प्रॉपर्टी में 1 लाख का हिस्सा है, हाँ जी, और वो कहे हम अपना हिस्सा परिवार वालों को दे करके ईश्वरीय सेवा में अर्पण हो जाते हैं, तो धन से अर्पण हुआ कहेंगे? नहीं कहेंगे। ऐसे ही चाहे तन के संबंधियों उनकी अगर शक्ति हम ईश्वरीय सेवा में नहीं लगाते हैं तो तन से अर्पण हुआ कहीं नहीं कहा जाएगा। जो भी शक्तियां हैं सारी शक्तियां ईश्वरीय सेवा में लगा देना, अपने पास कुछ भी नहीं रहे अपना कहने को, उसको कहेंगे बेगर, घर भी न रहे। तो शास्त्र में जो गायन है शंकर के अमोघ में और तो भागवत में तो कृष्ण को अत्यंत ब्रह्मचारी कहते हैं, शंकर को अमोघ वीर और श्री कृष्ण को अत्यंत ब्रह्मचारी कह दिया, शास्त्र में गायन है। तो नेक्स्ट गाड़ी शंकर, नेक्स्ट गाड़ी प्रजापिता और नारायण, ये सब कुछ कहा है बात, लेकिन ये संपन्न स्टेज की निशानी है, माना जब शंकर शिव के समान बनती है तब की गायन है। शिव के समान माना सारे निराकार स्टेज में शरीर में होते रहते हो ये भी स्वास्थ्य भी रहने वाला शिव है। तो दूसरी बात यह कहा कि तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए 40-50 वर्ष लगता है 76 से। तो उस स्टेज यानी अमोघ बीज स्टेज यानी अष्टांग ब्रह्मचर्य स्टेज तब वो पाती है ना, इसमें प्रवेश करते हैं, तब तक उसका पतितपन कंटिन्यू होता है बाबा में है? उसका पतितपन जो माना जब तक प्रजा पतित है तो प्रजापिता भी पतित है, माना 76 से 2018 तक तो उनका पतितपन चलता है। शिव को पतित में प्रवेश करना है या पावन में प्रवेश करना है तो पूछने नंबर वन कांट में आकर इसमें पूछने की क्या बात रह गई? जब प्रवेश ही करना है पतित तन कामी कांटे में तो पूछने की तो बात ही खत्म हो गई कि पतित है या पावन है। और प्रवेश करने से मन कुछ जरूर मदद मिलता है ना बाबा, सुप्रीम तो साकार बाप को प्रवेश करने से कुछ मदद तो मिलता है ना, हिम्मत बच्चे मदद बाप बोलते हैं तो मनन चिंतन मंथन चलता है ना, बच्चा हिम्मत करेगा तो मदद नहीं मिलती है के? और उसको जास्ती मिलते हैं बाबा, बासठ की वाणी में कहा कि दुनिया के चुनिंदा आत्माएं एक वाक्य निकलते हैं, दुनिया के चुनिंदा आत्माएं एक वाक्य निकलते हैं जिनकी माला बनती है, वो माला बनाने वाला यहाँ बैठा है और माला भी उनकी भी है। तो ये बासठ में कहा है, जो शिव बाबा है ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके वाणी चलाते हैं तो इमर्ज करके नहीं बोलते हैं? जब इमर्ज कर लिया तो यहाँ बैठा है या कहीं दूर बैठा है? यहाँ बैठा है, यहीं बैठा है।
के आगे कहा कि माला में पहले परमपिता परमात्मा फिर प्रजापिता। ये समझ में नहीं आया, पहले परमपिता परमात्मा फिर प्रजापिता। फूल है ना, तो फूल को छोड़ देंगे क्या? फूल को छोड़ देंगे क्या? हाँ, दोनों एक ही है ना, परमपिता परमात्मा फिर प्रजापिता, दोनों एक ही है ना। माला में पहला नंबर परमपिता परमात्मा फिर प्रजापिता, ऐसा क्यों है? परमपिता परमात्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं। शिव बाबा किसे कहते हैं? साकार निराकार। तो शिव बाबा कहते हैं साकार निराकार के मेल को, और प्रजापिता किसे कहते हैं? फिर और नवग्रह है, नवग्रह सिर्फ उनको हमको ये वार के क्रम में रविवार, सोमवार और मंगलवार, बुधवार, ऐसा रवि, चंद्र और कुछ है, मंगल है, बुध और बृहस्पति गुरु है, ऐसा सात दिन है ना बाबा। लेकिन नवग्रह में वो दो बचा है, माना राहु और केतु। हाँ, तो राहु और केतु तो राक्षस होने के लिए उनको उड़ा देना। राहु को तो गिनाया ही नहीं जाता है नौ में। राहु नहीं आता बाबा? नहीं, नवग्रह सबको थोड़े बाबा, ये सात के अलावा दूसरा दो का बचा है उनको। जो सप्तऋषि हैं उन्हीं का गायन है। तो नाम तो ऐसा बोल दिया ना बाबा, सूर्य है और चंद्र है, मंगल है, बुध है और बृहस्पति माने गुरु है, शुक्र है और शनि है, और दो है राहु और केतु, ऐसा बोल दिया ना। कैसे बोल दिया? बोल तो बहुत कुछ दिया लेकिन उनका महत्व तो नहीं है, इसलिए उनका ज्यादा गायन भी नहीं है। तब नवग्रह की पूजा कैसा होते है? तो साथ भी होना चाहिए। तब नवग्रह की कैसा पूजा कैसा होती है? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जो लास्ट वाला है वो वैल्यूलेस है, और वैल्यूलेस होने के बावजूद भी वो और सात जो हैं आठ उनकी वैल्यू को प्रदर्शित करता है, इसलिए वैल्यू हो जाती है, गायन हो जाता है। ये साठ उसकी वैल्यू को प्रदर्शित करते हैं बाबा। है? जो जो साथ है वो साथ तो जो बचा है उनको वैल्यू को प्रदर्शित करता है क्या? हाँ जी, और सिंह के ऊपर ये विशिष्ट हो रहा है, तो जो वो जिससे स्नेह करती है माना दंशित करते हैं वो उसको छोड़ते नहीं है, है? जिससे उसका जो स्नेह करती है माना फ्रेंडशिप करती है, है? उसको वो छोड़ते नहीं है, है? ऐसा बोला बात में मतलब क्या है बाबा? शनि तो ये राक्षस ग्रह है, राक्षस माना तो और ग्रह राक्षस है। राक्षस तो तुम कहते हो, शनि देव कहा गया है कि शनि राक्षस कहा गया है? राक्षस कहाँ गया है? कहा गया है जो सूर्य का पुत्र है, पुत्र किसका है? सूर्य का पुत्र है, तो सूर्य का पुत्र तो आखरीन फिर भी कुटपिट के देवता ही कहा जाएगा ना। आपने
कानन मुरली में परिवार आएगा, किसको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और समझो उनके परिवार में कोई विस्की पीता है, जैसे मटन मच्छी खाता है, फिर भी आ सकते हैं। क्यों नहीं आएंगे? किसी ने पूछा है, त्रिवेणी संगम जिनका गायन है वो तीनों आत्माएं संगम युग में प्रैक्टिकल में कब मिलेंगे? त्रिवेणी संगम जिनका गायन है, हाँ, वो तीनों आत्माएं प्रैक्टिकल में संगम में कब मिलेंगी? हाँ, पहले सागर मेला होता है, गंगा सागर मेला होता है या त्रिवेणी संगम होता है? गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों नदियों का संगम पहले होता है और वो संगम होने से भी पहले गंगा वरुणा नदी से मिलती है, तो शहर का नाम वाराणसी पड़ता है। वरुणा असी, असी माने तलवार, तब तक गंगा तीखी तलवार का रूप धारण नहीं करती है। तीखी तलवार का रूप धारण कर लेती है तब बाद में जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। फिर गंगा सागर का मेला होता है। बाकी प्रैक्टिकल में है तो जरूर मिलेंगी। गंगा भी है, यमुना भी है और जगदम्बा सरस्वती भी है। जो बीच में आती है और बीच में ही लोप हो जाती है, कितनी भी लोप हो जाए फिर भी तीनों मिलेंगी जरूर। एक है पति पावन, सबको पावन बनाने वाला है, सर्व का संस्कृति दाता, तो एक निराकार है, वो कभी आकार अथवा साकार में नहीं आता है। या? वो कभी आकार अथवा साकार में नहीं आता है। साकार में नहीं आता माने साकारी स्टेज आरंभ नहीं करता। हाँ, तो ब्रह्मा उस समय निराकार स्टेज नहीं है ना, और नहीं पहुँचता है ना। ब्रह्मा द्वारा सिर्फ माँ का पाठ हुआ, बाप का पाठ। ब्रह्मा द्वारा कोई पतितों को पावन बनाने का काम थोड़े हुआ, सदगति करने का काम थोड़े हुआ। पूछा है संस्कार मिलाने का तरीका क्या है? संस्कार मिलाने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने को आत्मा समझो और दूसरे को भी आत्मा समझो। ना अपन को देह समझो ना दूसरे को देह समझो।
क्योंकि जब आत्मा आत्मा भाई भाई बन जावेंगे तो परम धाम में सब इकट्ठे रहेंगे कि वहां भी लड़ाई लड़ेंगे? इकट्ठे रहेंगे। अभी जो ज्ञान छोड़ के जा रहे हैं तो अभी तक उन्होंने जो सेवा की उसका प्रतिफल भविष्य में उनको मिलेगा कि अच्छा? सेवा तो की, लेकिन जिनकी सेवा की और उनको पता चला ये तो सेवा करने वाले ही छोड़ के चले गए, तो उन्हें निश्चय आएगा या अनिश्चय आएगा? है, उनको भी अनिश्चय आने लगेगा। इसका मतलब जो भी किया किया है वो सब बर्बाद कर दिया। पांच बीमार से गिरे तो सब खलास। है, डेथ हो जाने से थोड़े ज्ञान छूट जाता है, तो ज्ञान तो डेथ होने के बाद भी साथ में जाता है। एक ऑडियो कैसेट में बताया कि शिव बाबा कहते हैं ओम शांति और इनकी आत्मा भी कहती है ओम शांति है। वो है परमात्मा और ये है प्रकृति का है। इसका अर्थ क्या है? वो है परमात्मा और ये है प्रकृति का, क्यों अलग कर दिया परमात्मा को और प्रकृति का? इसके तन में बोल रहे हैं, उसके लिए थोड़ा ही बोला। ये भविष्य के लिए इशारा दिया है, मेमर्ज करके बता दिया। तो वो परमात्मा किसके लिए, किसकी तरफ इशारा दिया? भविष्य में जब प्रवेश करेंगे तब है परमात्मा। हाँ जी, जितना जितना बिंदु की स्टेज में टिकेगी उतना उतना ज्ञान सहज इमर्ज हो जाएगा, ऐसा बोला है। जितना जितना बिंदु की स्टेज में टिकेगी उतना उतना ज्ञान में सहज इमर्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाबा तो तीन स्टेज बोला है बाबा ने, माना एक है साकारी, एक है आकारी और निराकारी, और बाप को भी ऐसा हुआ साकारी और 69 से 76 तक आकारी स्टेज और 76 से निराकारी हो गया। एकदम कैसा पकड़ते हैं बाबा, साकारी से निराकारी स्टेज बीच में आकारी स्टेज होता है मान चिंतन? बाबा ने तो अव्यक्तवाणी में बोला है ऐसी प्रैक्टिस करनी है एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में निराकारी, एक सेकंड में साकारी अनुभव हो। साकार से निराकार बनने में एक सेकंड लगे बिना मन चित्र मंथन के, प्रैक्टिस करने से ही होगा। बाल कृष्ण के चित्र में उनके पास दो गायें और दो बछड़े दिखाए हैं, वो कौन कौन आत्माएं हैं? जो बछड़े हैं वो बड़े होके क्या बन जाते हैं? हैं? बछड़े माने गाय के बच्चे, बच्चियां नहीं। है, बछड़े जब बड़े होते हैं तो क्या बन जाते हैं? बैल बन जाते हैं।
तो दो बैलों की जोड़ी प्रसिद्ध है, जिनको कृष्ण कहा गया है वो कृष्ण नहीं है, वास्तव में वो कृष्ण है या शिव बाबा है, कौन है? शिव बाबा है। तो शिव बाबा के साथ दो बछड़े दिखाए, माने दो बैल हैं, राम और कृष्ण, और दो गायें हैं, जगदम्बा और छोटी माँ लक्ष्मी। योगदान करना है ना? तो योगदान कौन कर सकता है जो उसका कल्याण कर सकता है और माने पर 100% निश्चय होगा वही योगदान कर सकता है? ऐसी क्या बात है? तो बिना निश्चय के हाँ? तो 100% निश्चय नहीं होने से, पक्का नहीं होने से योगदान कैसे दे सकते? मन जिसको निश्चय नहीं होगा वो याद नहीं कर सकता। याद भी दो प्रकार होते हैं, एक प्यास से होते हैं और एक मना विरोध भाव से होते हैं। दूसरी बात पैदा मत करो, वो जो बात पूछ रहे हैं वो बात है सिर्फ, जिसको निश्चय पैदा हुआ है वो ही याद कर सकता है, जिसको निश्चय नहीं है वो याद भी नहीं कर सकता। तो योग का दान करने के लिए निश्चय बुद्धियों को बोला है या अनिश्चय बुद्धियों को बोला है? बस तभी अब निश्चय अनिश्चय चक्र में आ रहे हैं ना? अब तभी बच्चे निश्चय अनिश्चय चक्र, तो जब निश्चय के चक्र में हो तब दान करें ना, अनिश्चय के चक्र में है तो दान कौन करेगा, अपनी मुसीबत है। और बाबा हिरण्य तो परिभाषा बोला है ना बाबा, हिरण्य माना सोना, अक्ष माना अंक है, माना जिसकी सोने जैसे माना पवित्र अंक माना दृष्टि होते है उसको हिरण्य कहते हैं, लेकिन वो उसको राक्षस की लिस्ट में डाला है ना हिरण्य अक्ष को, तो पवित्र दृष्टि देवता इनके होते हैं, राक्षस का कैसा होता है? देवताएं सत्युग में होते हैं और जो सत्युग में देवता बनने वाली आत्माएं हैं वो संगम युग में मनुष्य या राक्षस नहीं हो सकती है। राक्षस चेंज होकर देवता नहीं मिल सकते हैं। बस लेकिन हिरण्याक्ष के रूप में वो तो राक्षस है ना, तो क्या हुआ? राक्षस है का मतलब अंतिम जन्म में राक्षस है, जो बाबा कहते तुम अंतिम जन्म में राक्षस बन गए, राम सो क्या बन गया, रावण बन गया, कंस दुनिया में ऐसी बात कोई नहीं, तेरे पर नाला होती है, कृष्ण क्या बन गया, कंस बन गया। तो जो राक्षस बन गए हैं वो देवता नहीं मिल सकते क्या? बन सकते हैं। तो हर एक बात को साकार बात को लागू होता है, ये बुरा हो अच्छा हो। पांच सौ करोड़ पार्ट एक बार में, 500 करोड़ पत्ते एक बीज में समाये हुए हैं, पत्तों में बीज नहीं समाया हुआ है। जैसे सन्यासी लोग कह देते हैं कण कण में भगवान है, वो रंग बात है, शास्त्रों में तो सच्ची बात लिखी हुई है, उसका अर्थ गलत कर दिया।
ना हम तेषु ते मये, मैं उन पत्तों में नहीं हूँ, परंतु वो पत्ते मेरे में मौजूद हैं। ये अर्थ लगाना है। हम भी जब प्रदर्शन का ही बोला है, हम भी जब प्रदर्शन का, हम भी जब प्रदर्शन का बोले हैं। मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूँ। वो तो है ही। ज्ञान तो किसी में होता ही नहीं दुनिया में, तो ज्ञान कहाँ से आया? बाप जब आते हैं तो ज्ञान का बीज बोते हैं। और बाबा है, बिना साकार निराकार कुछ नहीं कर सकता, और बिना निराकार साकार ज्ञान दे नहीं सकता। तो दोनों को कॉम्बिनेशन को बाबा ने बाबा बोला, श्री बाबा बोला है। लेकिन बाबा ये भी बोला है, जब आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाती है तो बाप से डायरेक्ट सीखेंगी। हाँ जी, बाप से डायरेक्ट सीखेंगी बोला। ऐसा है, अंत में सब कुछ उठने से यहाँ ये आवाज निकलेंगे, हमारा बाप आ गया है ना बाबा। तो वहाँ बाप शब्द क्यों बोला? बाबा शब्द बोलना सही है ना? आत्माओं का बाप आ गया ना? आत्मा का बाप का कैसा पता पड़ेगा सर? जो आत्मा बना होगा उसी को पता पड़ेगा। जो आत्मा बना ही नहीं उसको पता कैसे पड़ेगा? प्रैक्टिस की बात है। सब बाप की शब्द दोनों नहीं है, विभाग होते हैं ऐसा बोला तो साकार के बिना निराकार कुछ नहीं कर सकता, और निराकार के बिना साकार ज्ञान दे नहीं सकता। तब ये बाप की शब्द में दोनों के मिलन नहीं है ना? मिलन है या नहीं है? जब हमारा बाप आया आ गया है, अंत में सभी के मुख से आवाज निकलेगा। अंत में निकलेगा? 76 में ब्राह्मण बच्चों के मुख से नहीं निकला? निकला है। लेकिन वो बिंदु की तरफ नहीं है ना? बिंदु और साकार दोनों की मेल का है ना बाबा? है। इतनी 500 करोड़ आत्माएं की सुप्रीम सोल बिंदु को पता कैसा पड़ेगा? यह भी पूछा है इसमें, बाप भगवान कैसा पता पड़ेगा? जब ज्ञान सुनाते हैं मैंने जरूर साकार की मक्षण चाहिए ना? तब अब निराकार साकार को बाबा बोला है, लेकिन बाप शब्द क्यों यूज करना? वो आत्माओं का बाप है, इसका भी पता तब पड़ेगा ना बाबा? वो साकार द्वारा पता पड़ेगा ना? इसलिए बिंदु सब कुछ बिंदु है ना? कीड़े मकोड़े सब कुछ आने का मतलब ही है साकार में आ गया। मुकर्रर रथ में दो तीन आत्मा होते हैं, तो मुकर्रर रथ में दो तीन आत्मा रहते हैं। तो ऐसा मनन चिंतन करना ठीक है? ये बात कौन कह रहा है? ये बात प्रजापिता राम वाली आत्मा या कृष्ण वाली आत्मा, ऐसा समझना ठीक है? या जो भी मुकर्रर रथ के से आया उसको फॉलो करना है? मुरली में क्या डायरेक्शन दिया? सदा समझो, शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। फिर पूछने की बात ही नहीं रह जाती, क्योंकि 218 में बाप का शरीर बच्चा का हो जाता है। 2018 में बाबा जब तो कृष्ण की आत्मा का ये रियलाइजेशन होता है, मैं तो गीता की भगवान नहीं है, गीता की भगवान शिव शंकर बोला ना है, तब वो शरीर बाबा जो साकार की शरीर उसका होता है ना, ये निराकार बन जाएगा, जो साकार बाप निराकार बन जाएगा। तब आने वाला डायरेक्शन किसको माना पड़ेगा? कौन सा डायरेक्शन? तब जब ये ब्रह्मा आत्मा इनको ये अनिश्चय टूट जाती है, वो निश्चय बुद्धि बनती है, तब जो साकार से जो डायरेक्शन मिलता है
कब डायरेक्शन तो किसको हम माना है, तो ये ब्रह्मा डायरेक्शन ब्रह्मा देने वाला है लेकिन ये शिवा वाले वाला पूछ रहा है। वो तो तीनों ही एक हो गए ना, तीनों एक हो गए, उनमें कोई अंतर रह गया क्या? किसका है ये सवाल खत्म हो जाता है। बाबा एक वार्तालाप में कहा कि प्रजापिता का सर काटा हुआ और वीरभद्र ने उसका सर काटा, प्रजापिता का सर काटा काटा है सर सर काटा हुआ सर सर काटा हुआ वीरभद्र ने प्रजापिता का सर काटा हो गया तो वीरभद्र कौन? जो रुद्रगण है उन रुद्रगणों में जो महावीर कहा जाता है वो ही वीरभद्र है। हाँ जी, प्रजापिता तो प्रजापिता है ही, बकरे का मुख जिसको लगाया गया काटना माना गया, मान को काटना ही काटना सर काटना हुआ। हाँ जी बाबा, जगन्नाथ मंदिर में तो असली असली चित्र दिखा दे रहे बाबा, गांधी जी का जगन्नाथ मंदिर में तो असली चित्र दिखा दे रहे बाबा, गांधी जी का जगन्नाथ जी मंदिर में। हाँ, तो जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं है गंदे चित्र। हाँ जी, लेकिन बाहर निकलो बाहर, गंदे चित्र निकाल के बाहर कर दिए, अंदर रहने काबिल नहीं हो, लायक नहीं है। हाँ जी, लेकिन बाप उसको निकालने के लिए घर में कोई ताकत नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, पुरुषार्थी जीवन है ना? पुरुषार्थी जीवन है। हाँ, पुरुषार्थी जीवन झूठा है या सच्चा है? क्यों मिलता जुलता है? भगवान पढ़ाते हैं तो विकारियों को पढ़ाते हैं या निर्विकारियों को पढ़ाते हैं? विकारियों को पढ़ाते हैं तो विकारियों को पढ़ाते हैं, झूठे ही झूठे की बात क्या है इसमें? झूठ नहीं है बाबा, तो गवर्नमेंट पर इतना ताकत नहीं, क्यों ऐसी ताकत नहीं? तो समझाना है, ये पुरुषार्थी जीवन के चित्र हैं। पुरुषार्थी जीवन में नीचे ऊपर होता ही है, ये माया की लड़ाई है। माया के युद्ध में दो थपेड़े खाने भी पड़ते हैं और थपेड़े खिलाने भी पड़ते हैं।